way too many questions. You must think I trust you. Yeah, you searching for answers. I do not know nothing. आप इसके ऊपर ब्लॉग तो बनाओ ही बनाओ। तो काफी सोच विचार कैलकुलेशंस करने के बाद हमने ये आज प्लस माइनस सब कुछ किया हमने। तो आज हमने ये डिसीजन लिया कि हम इस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे। वैसे तो आप टाइटल से समझ गए ही होंगे, बाकी मैं आपको समझा देती हूँ। तो आज हम हमारे रिलेशनशिप से अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपने हमें इंस्टाग्राम पे पूछे हैं, जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, हमने वो उठाए हैं और कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हैं या आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो इसी ब्लॉग के नीचे कमेंट कर देना। तो अगर जरूरत हुई तो हम पार्ट टू भी बनाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें लेट्स गो टू द वीडियो। ओके गाइस, सो मैंने जो भी इमोशनल पीरियड क्वेश्चंस थे वो मैंने लिख लिए अपने फोन में। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन बोलती हूँ, उसके बाद हम उसका आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड यू गाइस मेट, आप लोग कब मिले थे? पहला पता, हम मिले थे जुलाई में मिले थे हम, लाइक इसके बर्थडे से एक हफ्ता पहले, एक डेढ़ हफ्ता पहले मिले थे। हाँ, पहली तो बार जो हमारी मीटिंग 2019 जुलाई। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु प्रपोज फर्स्ट? गाइस मैंने प्रपोज किया था राशि को। ओके, सबसे पहले फिर राशि ने खुद ही होगी बोल दिया था। मुझे एक रिंग दी थी और एक स्वेटशर्ट दी थी ऑरेंज कलर की और एक टेडी दी और एक टेडी ये बना। और प्रपोजल तो बहुत ही भारी भरकम था, लाइक बहुत टाइम लगा था, मतलब 6 से 7:30 बज गए थे, डेढ़ घंटा चल रहा था। नहीं ज्यादा चला था 8 लगा लो, ज्यादा चला था, लाइक बहुत कुछ हुआ था। मुझे मैं तो ठान ली थी जो मर्जी हो जाए हाँ करा के लेके जाऊंगा, ना घर नहीं जाऊंगा आज दिल्ली से। मैं तो पूरे पूरे ना करने के मूड में थी। पर जट तैयारी करके आया था, दीप जट दीप सन जट ने बे आप करवा के जाना है जो मर्जी हो जाए। बस फिर मैं पूरी बैठक बैठा दी उधर इन्फ्लुएंसर दी, वो सब ने बोला हाँ हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो, सबने मुझे बहुत प्रेशर है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर डिड यू गाइस मेट, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे सीपी में और हम लोग वहाँ फर्स्ट टाइम मतलब वीडियोस वगैरह बनाने के लिए मिले थे। फिर हमने एक साथ वीडियो भी बनाई थी एक आधी और वो बहुत ही बेकार वीडियो थी, सॉरी बट मेरी उठी थी बस कुछ ही था, ऐसे कर कैसे किया था, एक ये थी और एक ये वाली थी। वो वाली ने दुनिया दी अक जी रे उठ के किया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड यू गाइस वोर ऑन योर फर्स्ट मीटिंग? मैंने तो एक दूसरे को बताते हैं, प्रभ ने ऑरेंज कलर की एक स्वेटशर्ट पहन रखी थी, क्या थी वो, क्या वो टी शर्ट ऑरेंज कलर की एक टी शर्ट पहन रखी थी, नीचे टाइगर प्रिंट वाला ट्राउजर, टाइगर प्रिंट हाँ मिलिट्री, मैं मेरे को बोलना वही था लेकिन उसका नाम नहीं आता था, और नीचे मिलिट्री वाली ट्राउजर और शूज ब्लैक टर्पल। ये पूरे डॉक्टर बन गया इन्होंने, मतलब अंदर वो था क्या कहते हैं क्रॉप टॉप था चेक वाला स्काई ब्लू एंड व्हाइट, ऊपर जैकेट थी, नीचे उसकी सेम वो थी, नीचे क्या थी स्कर्ट सेम कलर नहीं व्हाइट कलर की, नहीं व्हाइट नहीं थी, एक मिनट स्काई ब्लू थी ना, स्काई ब्लू हाँ स्काई ब्लू थी, चेक कर लो, ब्लैक कलर की थी, नहीं ब्लैक कलर की थी, मान ले तू गलत है, ब्लैक कलर की थी, अकॉर्डिंग टू मी नहीं थी, ब्लैक कलर की थी, नो ब्लैक कलर की थी, उसके ऊपर
ब्लैक कलर की थी और उसके ऊपर ऐसे बीट्स भी लगे हुए। और शूज बताओ, शूज तो व्हाइट वाले थे। नहीं व्हाइट, हाँ शूज व्हाइट वाले थे यार, उनके पास थिक थे शूज, व्हाइट फ्लैट हील, नहीं नहीं थोड़ी सी ही थी, थोड़ी सी मतलब बहुत इतनी थी, वो चौड़ी वाली हील पहन के आए थे मुझे अच्छी तरह याद है, थोड़े लंबे लंबे बाल इसके यहाँ से ऐसे वो किया, वो इसने ऐसे करके ऐसे जो निकालते नहीं पहले ऐसे करके जो लटर निकालते हैं, मोटी सी ऐसी थी। मैं खुलने छोड़ के आई थी, मैं ढूंढ के भले फोटो मिले तो मैं लगाऊंगा, लगाऊंगा एडिटिंग के टाइम पे ढूंढ के फोटो, मेरे पास है फोटो, मैं खुलने छोड़ के आई थी। खुले छोड़ के आए थे, इनके बाल खुले थे, बट एक जो होता है ना स्टाइल होता है जो ऐसे करके आता है राइट या लेफ्ट से, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू गाइस ट्राई टू स्टॉक ईच अदर ऑन सोशल मीडिया? नहीं ऐसा हुआ ही नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि हमारे मैं पहली मीट में मिला, फिर मैं इनसे बाद मिला था 2 महीने बाद जाके। नहीं लेकिन मीटिंग से पहले भी हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, लाइक हमारा बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल, यही था ना मैंने बोला, जिनका स्कूल में फ्रेंड था एक बार बुलाओ वीडियो बनाते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज अ प्रपोजल विद रोज और ऑन इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया ऐप, ये लाइक कोई ऐप के थ्रू नहीं हुआ, लाइक हाँ लाइक प्रपोजल भी कुछ ऐसा कोई फेरी टेल वाला कुछ हुआ था? ऐसा था नहीं बट उससे भी कम नहीं था, उससे उससे तगड़ा ही था। हाँ मतलब बहुत मेस्ड अप था, क्योंकि उस टाइम पे लाइक ऐसा कुछ मेरे था नहीं, लाइक मेरे मतलब इनको मनाना बहुत ज्यादा वो था है ना, मतलब आसान नहीं था, लाइक मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी रेडी नहीं थी इन सब के लिए, तो फिर मेरी तरफ से तो पहले मैंने बिल्कुल ऐसे था कि नहीं भाई नहीं नहीं करना, मैंने ऐसे भी नहीं था, बड़े प्यार से बोलो नहीं भाई नहीं नहीं करना ऐसे भी नहीं किया था। मतलब कुछ बोलना नहीं, हाँ नहीं मतलब मैं पहले बहुत शांत, इतने शांत, मैं खाने के टाइम पे जब मुझे पहले मिलता था मैं बोलता था यार खा लो कुछ, मैं कुछ नहीं खाती थी, मैं कुछ नहीं खाती थी, शांत बच्चा होता ना, मैं सोचता था हाय कितनी शांत है यार ये, अब देखो पहले आप बताओ। मैं ही चाहती हूँ कि लाइक चेंज करने के लिए ये कुछ दिनों से ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, दिनों के नहीं वैसे भी, हाँ ये हो रहा है मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है नहीं छोटी छोटी बातों पे भी ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होना कम कर दे बस, तो माय बैड चेंज आप में वैसे इनको यही है कि मतलब चेंज इनको जरूरत है नहीं, बस एक ही चीज है कि ना थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है इनको बहुत जल्दी, सुनते नहीं है ना, देखो अभी भी गुस्सा आ गया बस यही है, नो उम्मीद है शांत बच्चा, वो उम्मीद है शांत बच्चा, मम्मी को बुलाओ अभी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड राशि एग्री इन फर्स्ट टाइम और शी टुक टाइम टू से यस? पूछो मत भाई, मेरे को बैठक बैठानी पड़ी थी वहां पर, आई टेक अ लॉट, हम पहले सुबह गए, कोइंसिडेंटली आउटफिट हो गया सेम, ये वाइन कलर का पहन के आए थे, मैं भी वाइन कलर का पहन के आया था, मैं भाई उस दिन तो देख पता नहीं क्यों मेरे को लगा चला आज मैं शर्ट पैंट पहन के चलता हूँ, मैं बोला भाई पता नहीं चला गया पहन के, ठीक है उसी में भी वाइन कलर का पूरा वो पहन के आए,
है ना, तो वीडियो बनाई, बिल्कुल कोइंसिडेंस था, वीडियो बनाई, फिर उसके बाद फिर हम वहाँ से कहाँ गए थे, फिर हम दिल्ली हट में ही बैठे थे, हम वहाँ पे और भी बहुत सारे फूड कोर्ट था जब वहाँ पे और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, तो उनको हुआ कि यहाँ कुछ हो रहा है, मतलब वो हमें जानते थे, हम थोड़े से दूर बैठे तो सारे आके बैठ गए, फिर सब बातें हुई, आई वाज लाइक नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, लेकिन सब लोग मेरे साइड पे थे, कर दे हां, सबने बहुत पुश किया मुझे, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया यार, शी सो मीन, कहती ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बड़े पापड़ भी नहीं बने पर फाइनली हो गया था, बहुत ज्यादा ये पापड़ बनवाए मैंने, लाइक क्योंकि मैं नहीं थी रेडी उस टाइम पे, तो मेरे को था कि भाई आई नीड टाइम, तो इस चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा ही समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। तो गाइस इतने ही क्वेश्चंस थे अभी, तो अगर आपको लगता है कि आपने और भी कुछ जानना हमारे बारे में तो फटाफट से नीचे जाके कमेंट कर देना, और ये वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस बार हम इंस्टाग्राम से नहीं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से हम उठाएंगे क्वेश्चंस, और इसका पार्ट टू जरूर बनाएंगे, सो जितना उसके कमेंट करना, क्वेश्चंस पूछना कि हमें इजी रहे उठाना, ओके, सेम क्वेश्चन प्लीज पुट अप मत करना, सेम मत करना, मेरा नहीं आएगा, अलग कुछ पूछना, सो और इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनेगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, बाय बाय, गुड नाइट, पीस आउट।